चला गया। मालूम है क्यों? 1 लाख हिंदुओं ने वोट नहीं किया। सियालकोट उस समय हिंदू बहुल इलाका था। यह भी तय हुआ कि इसका फैसला जनमत संग्रह से होगा। जब मतदान शुरू हुआ तो मुसलमान सुबह से उठकर लाइन में लग गए और सबसे पहले वोट देकर आए। लंबी लंबी लाइनें लग गई और हिंदुओं ने क्या किया, हिंदुओं ने दो आराम से उठे, खाया पिया, आराम किया। उसके बाद दोपहर के करीब पहुंचे और देखा कि बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, तो आधे लोग तो लंबी लाइनों को देखकर ही घर लौट गए। फिर कुछ लोग थे जो लाइनों को देखते रहे, इस इंतजार में थोड़ी देर खड़े रहे कि शायद ये लाइन छोटी हो जाए, जल्दी वोट देने का मौका आ जाए तो वोट देकर जाएंगे। लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद थक गए, या कहिए उनको अपने आराम की याद आ गई, वो भी लाइनें छोड़कर जो है या लाइन में शामिल हुए बिना घर लौट गए, वोट नहीं दिया। नतीजा ये आया कि 55,000 मतों से ये प्रस्ताव पास हुआ कि सियालकोट को पाकिस्तान में शामिल किया जाए। उस समय सियालकोट में हिंदुओं की कुल आबादी थी 2,31,000, उसमें से 1 लाख ने वोट नहीं दिया, 55,000 से ये प्रस्ताव गिर गया। उसके बाद आपको याद होगा कि 1946 का 16 अगस्त का दिन जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी तो उसका कहर जो है वो सियालकोट में भी बरपा। हिंदू औरतों की इज्जत लूटी गई, उनकी हत्या की गई, बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ और जो जो लोग आराम करने के लिए घर गए थे वो हमेशा के लिए आराम की नींद सुला दिए गए। ये 1941 के सेंसस की फिगर बताई मैंने, 2,31,000 हिंदू पॉपुलेशन थी। और 1951 यानी 10 साल बाद जब सेंसस हुआ और उसके मुताबिक सियालकोट में हिंदुओं की आबादी केवल 10,000 बची। और 2017 की फिगर के अनुसार सियालकोट में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 500 है। आज पता नहीं एक भी हिंदू वहाँ है या नहीं। सियालकोट